टू अप्रोचेस है मार्केट को डिफाइन करने के लिए जब मैं ट्रेडिशनली मार्केट को डिफाइन करती हूँ तो इट वॉज और इट वॉज बीफाइन एज अ प्लेस एंड अदर एंड देव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दायर इज रेडी टू पे एंडर इज रेडी टू सेल दे फाइनलाइज द कॉन्ट्रेक्ट एंड द ओनरशिप गेट्सेंतलब सेलर से ओनरशिप बायर के हाथों में ट्रांसफर हो जाती है इन रिटर्न बायर

पिछले 10-15 सालों में ये हुआ है जहां पे मार्केट अब प्लेस नहीं है अब घर बैठे बैठाए 24 घंटे में कभी भी इवन नाइट टाइम पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं सो मार्केट नाउ इज नॉट अ प्लेस यू नीड नॉट टू विजिट पर्सनली एनी वेयर बिकॉज यू बाय द थिंग्स ऑनलाइन इवन ठीक है तो नई हमारी डेफिनेशन क्या है मॉडर्न डेफिनेशन क्या है इट इज सम टोटल ऑफ एक्चुअल एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस जो कंपनी की वेबसाइट को एक्सेस करके एक्चुअली सामान को ऑर्डर करते हैं वो एक्चुअल बायर जो सिर्फ इंक्वायर करते हैं और रेट लिस्ट वगैरह देखते हैं वो प्रोस्पेक्टिव बायर है मींस जो खरीदने की इच्छा रखते हैं लेकिन अभी उन्होंने अपनी परचेज को पोस्टपोन कर दिया सो आई एम टॉकिन अबाउट टू टाइप एक्चुअल मॉडर्न तो सेंस में मार्केट इज नॉट अ प्लेस इट इज नॉट रेफरिंग टू अ प्लेटफॉर्म टू विजिट तो मार्केट की भाषा में हम मार्केट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं मॉडर्न सेंस में जो उस सामान को एक्चुअली खरीद चुके हैं या खरीदने की इच्छा रखते हैं वो सारी मार्केट है जब मैं कहती हूँ आईफोन की ओवरऑल सिक्सटी परसेंट मार्केट है तो उसका मतलब क्या है एक्चुअल बायर्स जिन्होंने उस फोन को खरीद लिया है और जो खरीदने की इच्छा रखते हैं वो मार्केट में टोटल सिक्सटी परसेंट है अगर मैं बोलती हूँ सैमसंग की 35 परसेंट मार्केट है तो उसका मतलब क्या है हु बॉट इट एंड आर डिजायरिंग टू बाय दैट दैट सो इज द मॉडर्न डेफिनेशन नाउ लेट सी फ्रॉम योर बुक मार्केट के बारे में उसने क्या क्या लिखा है लेट सी लेट्स अंडरलाइन द हाई लाइटिंग पॉइंट फ्रॉम योर बुक बुक है तो ठीक है अगर नहीं है तो घर जाके उसे नोट कर लेना चैप्टर को स्टार्ट ही उसने यहां से किया है मार्केट की डेफिनेशन यस yes. ये भी क्वेश्चन मैंने डाला था मार्केट इज बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी क्या बोला स्पोर्ट्स की मार्केट है यूटेंसिल की मार्केट है. So है, है एक वो कहता है प्रोडक्ट वाइज हो सकती है एक जोग्राफिकल एरिया वाइज हो सकती है जैसे महाराष्ट्र और सूरत को बोलते हैं है? तो वो ज्योग्राफिकल एरिया है बिकॉज दैट ज्योग्राफिकल कंडीशन आर सुटेबल फॉर द क्रोप ऑफ कॉटन तो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी हो सकती है इसने ज्योग्राफिकल को पता कैसे डिफाइन किया मैंने तो सुटेबिलिटी ऑफ वेदर और क्लाइमेट के वाइज बोला ना इसने बोला नेशनल एंड इंटरनेशनल वो भी ठीक है एरिया वाइज इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट ओनली विद इन द बाउंड्री ऑफ योर नेशन इट मीन यू हैव नेशनल मार्केट अगर आप यू आर रनिंग एन एक्सपोर्ट हाउस एंड यू आर एक्सपोर्टिंग योर गुड्स टू एन अदर नेशन ऑल्स इट मीन यू हैव इंटरनेशनल मार्केट एज वेल ठीक है सो so, एरिया वाइज अगर नेशनल बाउंड्रीज में है

ओके okay. इससे बोला एक कंज्यूमर मार्केट है एक इंडस्ट्रियल मार्केट है ट्रैक्टर खरीदना है ट्रॉली खरीदनी है तो कौन सी गुड्स है इंडस्ट्रियल गुड्स है क्योंकि हैवी कैपिटल गुड्स है ठीक है कंज्यूमर मार्केट उसे खरीदनी है तो रिटेल में है ना वो थोड़ी ना मैं कंपनी से खरीदने जाऊंगी या मैं कस्टमाइज करवाऊंगी वट एवर टेस्ट इज और फ्लेवर इज अवेलेबल इन द मार्केट दैट आई विल गो विद दैट ठीक है uh, कोई भी सोप खरीदना है कोई भी परफ्यूम खरीदना है सो दैट वी नीड नो टू कस्टमाइज राइट वो जो मार्केट में अवेलेबल है मेरे को वही खरीदना है तो वो एक हो गया कंज्यूमर गुड्स के अकॉर्डिंग एक हो गया कौन सा कैपिटल गुड्स के अकॉर्डिंग तो कैपिटल गुड्स में हम लोग हेवी मटेरियल लेते हैं लाइक यू आर रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और आपने मशीनरी कस्टमाइज करवानी है रबर इंडस्ट्री आप चला रहे हो तो आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मशीनरी को क्या करवाना है कस्टमाइज करवाना है सो दैट वी कॉल एट इंडस्ट्रियल मार्केट देन क्वांटिटी वाइज

वो स्टॉकिस्ट स्टॉक डीलर हु डायरेक्टली टाई जिसका सीधा कंपनी के साथ टाई अप होता है बीच में कोई इंटरमेडेरी नहीं होता तो डेफिनेटली उतना रेट की जो कमीशन है जो बीच में की होती है वो कट जाती है हमें सस्ते में सामान मिलता है एंड यू नो ऑनलाइन भी तो ऐसा ही है ऑनलाइन में भी तो इंटरमेडेरी बहुत कम है हाँ, शॉपिंग साइट्स हैं हैं वो वो अपनी थोड़ी बहुत कमीशन रखते हैं और आपके और के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट आर नॉट द मैनुफेक्चर ऑफ एवरी दे आर मैन्युफेक्चरिंग सर्टन थिंग्स लेकिन सारी चीजें उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है दे जस्ट प्रक्योर फ्रॉम द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर। तो हमारी ये जो शॉपिंग साइट हैं ये भी मैन्युफेक्चर के साथ डायरेक्ट डील करते हैं तभी तो कहते हैं ऑनलाइन सामान मार्केट से सस्ता मिलता है ना? है ना ऐसा है ना कंपैरिजन सो कितनी टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने बताई क्या क्या बेसिस है उसके बोलो पहला पहला बोलो प्रोडक्ट दूसरा जोग्राफिकल एरिया जो उसने एग्जाम्पल दिया वो नेशनल एंड इंटरनेशनल है ठीक है थर्ड बोलो टाइप्स ऑफ बायर्स एंड फोर्थ है

जो लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं वो भी मार्केट का हिस्सा है और जो वो पे करके खरीद लेते हैं वो भी मार्केट का हिस्सा है जो पे करके खरीद लेते हैं वो तो buy, वो तो एक्चुअल बायर बायर हो हो गए गए टू बाय पोटेंशियल एक दिन में पचास लोगों ने ऑर्डर दिया वो एक्चुअल हो गए ना ठीक है एक दिन में उस वेब पेज को दो सौ बंदों ने सर्च किया तो बाकी डेढ़ सौ पोटेंशियल हो गए ना हम किसी वेब पेज को इसीलिए सर्च करते हैं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस आई एम राइट फिर कई बार हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोगों ने उस चीज का कंपेरिजन दूसरे डिजाइनर्स की ड्रेसेस के साथ करना होता है रेट वाइज वाइज क्वालिटी ठीक है सो पोटेंशियल बायस बायस और एक्चुअल दोनों को टोटल कर दो तो मॉडर्न सेंस में हमारी मार्केट की डेफिनेशन बनती है सो दिस पार्ट इज डन पहले दो चैप्टर के इसी कॉन्सेप्ट को लेके बनाए गए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन ट्रेडिशनल है सेकंड में हमारी मॉडर्न है नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू मार्केट मार्केटिंग मार्केट वर्ड के साथ आईएनजी एनजी लगा दिया बहुत बार मैंने क्लास में डिस्कस किया आपने तब सुना है या नहीं आई एम रिपीटिंग इट बिजनेस स्टडीज में किसी भी टर्म के साथ अगर आईएनजी लग जाता है पहली तो बात यह इट इज अ प्रोसेस ऑफ वॉट ऑल द एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल फॉर द सक्सेसफुल एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू कंजम्पन सेंटर क्या बोला मैंने इट इज अ प्रोसेस ऑफ all activities which are essential for the successful exchange of goods or services from production center to consumption center kon kon si -sí activities aati hain in between which are helpful ki saman production center se agar service ke case mein baat karu to service provider se service provider se service check karta वो service पहुंच जाए जो बीच में सारी एक्टिविटीज आएंगी उनके सम टोटल को उसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मार्केटिंग बोलो क्या क्या आता सबसे पहले मार्केट रिसर्च होती है भाई एंड दैट एक्टिविटी एक्टिविटी वी कॉल प्री प्रोडक्शन आज के जमाने में पुराना जमाना चला गया जब हम ये मान के चलते थे जो बनाएंगे वो बिक जाएगा आजकल बनना ही वो है जो कस्टमर को चाहिए इसी चैप्टर में मैं बार बार एक लाइन बोला करती हूँ नाउ डेज और कंज्यूमर प्रोडक्शन है नाउ डेज कस्टमर इज किंग ऑफ द मार्केट ही इज द एक्चुअल डिसीजन मेकर आपको वही बनाना है जो उसे चाहिए अगर आपने अपनी मर्जी से बना लिया तो जरूरी नहीं है कि आपका कस्टमर आपके सामान को खरीदे बिकॉज नाउ अडेज माई कस्टमर इज नॉट एन इग्नोरेंट मैन ही इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड डोंट ट्राई टू चीट हिम और हर आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते आप एक बार धोखा दे देंगे और उनको सामान से सेफेक्शन नहीं मिलेगी वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे आपका नेम और फेम वहीं पे सारा खराब यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड इट है ठीक है जब कभी भी कस्टमर के साथ चीटिंग होती है वो चुप नहीं बैठते दे हैव देयर ओन ग्रुप दे कैन गो टू द कंज्यूमर फॉरम्स दे कैन फाइल अ केस ठीक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर सकते हैं जहां पे वो अपना केस आगे पब्लिक तक फॉरवर्ड करेंगे तो आपका सारी रेपुटेशन और गुडविल डिमोलिश हो जाएगी इन दैट वे सो यू नीड टू प्रोड्यूस वॉट दे वॉन्ट एंड वॉट दे वॉन्ट वॉन्ट दैट यू नीड टू जज बिफोर हैंड फॉर दैट वी कंडक्ट मार्केट रिसर्च वी कंडक्ट अ सर्वे हम कस्टमर्स के पास जाके पूछेंगे और वो कौन से कस्टमर होंगे यू आर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर लाइक सप्लीमेंट ठीक है और आपने टीन एजर्स के लिए बनाना है दे है दे आर गोइंग टू जिम हेल्थ कॉन्शियस तो आप डेफिनेटली स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर जाके उनको छोटे मोटे क्वेश्चन ईयर दोगे और उन क्वेश्चन से आप डाटा कलेक्ट करोगे एट प्रेजेंट विच हेल्थ सप्लीमेंट यू आर यूजिंग आर यू सेटिस्फाइड विद इट उसमें कितना प्रोटीन है एक्ट्रा एटसेक्ट्रा हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे यू टेक इट ठीक है विद मिल्क लेते हैं कि विदाउट मिल्क लेते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन बना के आप उनसे डाटा फिल करवाओगे ठीक है, uh, कि market में मेरा competitor कौन रहेगा, लोग, do you want to change your food supplement? ये भी एक क्वेश्चन डालोगे ठीक है क्या आपको ये सामान कॉस्टली लगता है कि जेन्युन प्राइस का लगता है कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप डालोगे क्या मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए नहीं ठीक है अगर आप सेल फोन बनाते हैं फिर भी आप स्कूल और कॉलेज के बाहर जाके या ऑफिस के बाहर जाके लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे एट प्रेजेंट यू आर यूजिंग आपको इसकी मेमोरी या स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती चार्जिंग लाइफ uh, इसकी कितनी है ठीक है बैटरी की लाइफ कितनी है चार्जिंग कितनी देर में फुल हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन कुछ आप बनाओगे ताकि उससे मिलते जुलते फीचर या उससे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी फीचर आप अपने प्रोडक्ट में लॉन्च कर सकते सो दिस इज वॉट वी कॉल प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी वंस यू डिसाइड कि मेरे को क्या बनाना है उसके बाद आप उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे वो सेकंड स्टेज है फिर आप सामान की एडवर्टीजमेंट करोगे प्रमोशन करोगे फिर आप सामान को बेचोगे और बेचने के बाद भी मार्केटिंग खत्म नहीं है बिकॉज मार्केटिंग इंक्लूड्स आफ्टर सेल सर्विसेज इन इट वॉट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज वॉट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज वारंटी लाइक लाइक वारंटी और सर्विस एंड मेंटेनेंस एसी इंस्टॉल करवाया पहली दो सर्विसेज फ्री गाड़ी ली पहली दो सर्विसेज फ्री ठीक है और गाड़ी लेते हुए इंश्योरेंस भी फ्री साथ में मिल रही है पहले साल की सो दीज आर आफ्टर सर्विसेज और वारंटी पीरियड के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल बी सॉल्विंग और रिजोल्विंग प्रॉब्लम ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट दिस इज वॉट वी कॉल जैसे रेफ्रिजरेटर लिया तो उसके कंप्रेसर की गारंटी है वारंटी है सॉरी एसी लिया तो उसके कंप्रेसर की क्या है वारंटी है गाड़ी ली तो उसके इंजन की वारंटी है यू आर गेटिंग मी सो ये वॉरंटी पीरियड में अगर खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको एश्योरेंस देती है कि हम उसकी रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे So these all activities are the part of marketing. Now I am coming to your book where he defined marketing in his own language. Yes, uh, जब मैं मार्केटिंग का पैराग्राफ देखती हूँ तो he is talking about two words marketing and shopping.

इट दे दे आर आर रॉन्ग ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड उन्हें पता ही नहीं है मार्केटिंग और शॉपिंग सेम होती है या नहीं जब कभी भी वो घर से कहता है कुछ खरीदने को निकलते हैं तो वो कहते हैं मार्केटिंग करने गए नहीं मार्केटिंग इज ऑलवेज ऑन द पार्ट ऑफ सेलर शॉपिंग इज ऑलवेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर हाँ कई लोग कहता है और कंफ्यूज हो जाते हैं हमारा अलग से टॉपिक है मार्केटिंग एंड सेलिंग में डू यू फाइंड देम सेम सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एज समथिंग एल्स देन सेलिंग सेलिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है हमारी मार्केटिंग में मार्केटिंग सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ इट इसके बारे में डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट पेजिस में पढ़ेंगे जो जहां पे मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस है हमारे सिलेबस का पार्ट है कई लोग कहते हैं मार्केटिंग इज सेम एज ऑफ मर्केंडाइजिंग स्पेलिंग देखना मर्केंडाइजिंग और वो इसको कहता है डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट इज इट सेम एज ऑफ मार्केटिंग जब आप किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हो डिजाइनिंग का मतलब है इट इज एन इंजीनियरिंग जॉब जहां पे आप उस प्रोडक्ट का मॉड्यूल तैयार करते हो और फिर डिजाइन और साइज और कलर और वेट वगैरह उसका डिसाइड करते हो सो so, डिजाइनिंग और मर्केंडाइजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग इट इज नॉट सेम एज ऑफ मार्केटिंग बिकॉज मार्केटिंग इज समथिंग एल्स देन डिजाइनिंग एंड सेलिंग सेलिंग और डिजाइनिंग के अलावा भी मार्केटिंग में बहुत कुछ है

जो कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो वेयर हाउसिंग हो सकता है वो पब्लिसिटी हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है बट ही इज नॉट कंसिडरिंग सर्विसेज एंड प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी तो नई डेफिनेशन में मैं मार्केटिंग में प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी इंक्लूड करूंगी और आफ्टर सेल सर्विसेज भी इंक्लूड करूंगी विल यू लाइक एग्री विद माय स्टेटमेंट दैट नाउ अ डेज वी आर नॉट रेफरिंग द ट्रेडिशनल डेफिनेशन वो बहुत पुरानी हो गई है आज के जमाने में बनता ही वही है जो कस्टमर को चाहिए एंड फॉर दैट यू नीड टू सर्वे यू नीड टू कंडक्ट रिसर्च तो सबसे पहला ही मार्केटिंग में क्या होता है कंडक्टिंग ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कंडक्टिंग ऑफ मार्केटिंग सर्वे चलो जी नई डेफिनेशन पे आते हैं नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक और बात याद रखिएगा जिस तरह से हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सिमिलरली फिलिप कॉटलर इज नोन एज फादर ऑफ मार्केटिंग ही इज द मैन हु फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फेसाइज ऑन दिस टर्म मार्केटिंग इज नेम्ड एज ही इज नेम्ड एज फादर ऑफ मार्केटिंग इसके अकॉर्डिंग ही सेज मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस हाउ कम सोशल प्रोसेस बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रेस अपॉन द नीड ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को क्या चाहिए वो मार्केटिंग में डिसाइड किया जाता है वो जाना जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सामान बनाया जाता है दैट्स वाई इट इज अ सोशल प्रोसेस इट्स नॉट ओनली अ प्रोसेस

ठीक है और एक जेन्युन प्राइस उसके बदले में उनसे चार्ज किया जाता है सो दैट दे कैन गेट फुल सेटिस्फेक्शन जैसे सोसाइटल मार्केटिंग है ना सोसाइटी के welfare के वेलफेयर बारे में सोचना वहीं से ये प्रोसेस वर्ड से ही निकला है सोशल प्रोसेस से ही निकला है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें आप सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हो और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बनाते हो वही सामान जो उन्हें चाहिए वॉट दे नीड एंड वॉन्ट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स आप बनाते ही वही हो एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड services ऑफ वैल्यू विद अदर्स जो चीज उनके लिए यूजफुल है आप वही बनाते ठीक है आप अपनी मन मर्जी नहीं करते हो एज पर क्वार्टलर मार्केटिंग शुड ऑलवेज बी डिफाइंड एस अ सोशल प्रोसेस Now we are coming towards मैंने वैसे पहले functions लिखा था बट बिफोर दैट इन योर बुक वी हैव फीचर्स features, Who will define the features?

फेल्ट deprivation of something क्या मतलब है दैट इज नीच मोहित रीड दिस लाइन इट इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन ऑफ समथिंग जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज की कमी महसूस करते हो वो नीच है ठीक है दैट इज

महाराष्ट्र तो आई नीड ओनली आई एम गुजराती तो मेरे को फाफड़ा ही चाहिए तो so, वहां पे आप कुछ भी कुछ भी खाने को मिल जाए अब वॉन्ट क्या है नाउ okay चलो जी वॉन्ट पे आते हैं वॉन्ट ऑन अदर हैंड वही वाली वॉन्ट का मतलब आप चाहते क्या हो जरूरत अलग है आप चाहते हैं क्या हो ठीक wants on the other hand are culturally defined objects that are potential satisfiers of needs potential satisfiers of needs wants potential, potential satisfiers of needs in other words human needs shaped by such factors as culture personality and religion are called wants जब आपके नीड्स के ऊपर आपके कल्चर का इफेक्ट पड़ता है आपके रिलीजन का इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट पड़ता है एक सीईओ है कंपनी का क्या वो किसी ढाबे में बैठ के खाना खाएगा कभी वो फाइव स्टार के बिना कहीं जाता ही नहीं है इट मीन की वहां पर उसकी इज अफेक्टेड भूख उसे भी लगी है बट ही कैन स्नब दैट हंगर बिकॉज ही इज इन द सर्च ऑफ दैट फाइव स्टार होटेल ओनली ठीक है और जब आपकी उस जरूरत के ऊपर आपके रिलीजन है भूख तो लगी है लेकिन मेरे को पाव ही खाना है उस केस में वो आपकी है बिकॉज़ वर्क और योर बिहेवियर बेसिस आपको ये नहीं है कि कुछ भी थाली में मिल जाए मैं खा लूंगा ऐसा नहीं है बिकॉज यूर नीड्स आर बींगल्चर बाई योर पर्सनैलिटी एटसेट्रा इन दैट केस दैट नीड्स इन डन तो हमारी मार्केटिंग के साथ मेरे को इसको कैसे रिलेट करना है इन मार्केटिंग यू हैव टू सी वॉट आर दियर नीड्स एंड वॉन्ट्स इफ यूर मैन्युफेक्चरिंग प्लांट इज इन पंजाब तो यू हैव टू सी और आप बना रहे हो कपड़े का आपका काम है टेक्सटाइल कंसर्न है तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा फैब्रिक इन डिमांड है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट साल के बारह महीने कैसा मौसम रहता है उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक को डिजाइन करें ठीक है सो दिस इज व्हाट वी कॉल नीड एंड वॉन्ट्स दोनों को आपने माइंड में रखना है ये क्वेश्चन आया भी हुआ, एंड वहां पे पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस और इसका नाम है क्रिएटिंग बोलो जी क्या है जब नीड और वॉन्ट्स पहचान ली उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंग सामान बनाना शुरू करना दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग अपने कस्टमर्स को कुछ ऑफर तो करो और क्या ऑफर करोगे जो उन्हें चाहिए जो उनकी हेल्प करेगा उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने में दैट इज इज व्हाट क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग बुक क्योंकि पुरानी प्रिंट हुई हुई है ही गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ सेल फोन यू कैन नाउ चेंज इट इन व्हाट स्मार्टफोन ठीक है ये सिंपल मोबाइल की बात कर रहा है या अगर कभी ये टीवी की बात करेगा तो हम स्मार्ट टीवी में उसे कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज लिखेंगे यू हैव टू सी कि ये हम मेरे कस्टमर्स की जरूरत है आप उसकी जरूरत को फुलफिल करने के लिए मेरे को सामान को बनाना है उसकी रेंज डिसाइड करनी है उसका डिजाइन डिसाइड करना है मान लो आपने फिल करवाया और एट प्रेजेंट मैक्सिमम लोग आपने उनसे पूछा वेट आर यू सेटिस्फाइड विद वेट ऑफ यूर सेलफोन मोस्ट ऑफ दोड इट्स इन वेट तो आप क्या कोशिश करोगे यू विल बी गोइंग विदिम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर स्मार्ट ठीक है क्सिमम ने लिखा स्लीक तो आप वो फीचर अपने प्रोडक्ट में लॉन्च करोगे ठीक है यू विल ट्राई टू लॉन्च योअर प्रोडक्ट विदर ओनली विच दे उन्हें कमी लगी अपने प्रेजेंट मॉडल में वो कमी आप अपने प्रोडक्ट में नहीं आने दोगे दिस इज वॉट वी कॉल क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग देन वी हैव थर्ड कस्टमर वैल्यू वॉट इट मीन कस्टमर वैल्यू वींस को खरीदने के बाद मेरे कस्टमर को कभी ना लगेड सामान को खरीदने के बाद मेरे साथ एक अच्छी डील हुई है मेरे सेलर ने मेरे साथ कोई भी चीटिंग नहीं करी वाइज आई पेड दैट इज वर्थफुलील दैट वर्थलेस प्रोडक्ट आई बॉन्ट मेरे साथ तो धोखा हो गया मेरे सेलर ने तो मेरे को लूट लिया फिफ्टी परसेंट कॉस्ट होनी चाहिए थी इसकी उसने मेरे से डबल प्राइस चार्ज कर लिया दिस शुड नॉट कम इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स ठीक है और आफ्टर कंपेयरिंग योर प्राइस विद प्राइस ही शुड नॉट रिजेक्ट योर प्रोडक्ट ठीक है वो ये नहीं है कि कस्टमर का सामान खरीदना प्रेफर करे सो दैट कस्टमर वैल्यू यू हैव टू डिसाइड देखो इसने लाइन क्या लिखी और टैग लाइन क्या होगी प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फेसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज

जो ब्रांड मैं खरीदना चाह रही हूँ उसका रेट क्या है और उसके कॉम्पिटिटर का रेट क्या है अगर ज्यादा है तो, मैं ये बोलती हुआ, नेट में तो इतना है, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ हुआ। है? और बिफोर बाइंग ये हमारी शॉपिंग साइट्स भी तो कंपैरिजन भी तो करके बताती है आपको पता है ना जब हम लोग कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं और कार्ट में चीज डालते हैं कंपैरेटिव भी आ जाता है ना यही अगर आप यहाँ से खरीदेंगे इस मैनुफेक्चर का खरीदेंगे तो अपने पैसे की उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए जितना आप पे कर रहे हो देन ओनली यू टेकिंग द फाइनल डिसीजन तो यहाँ पे मार्केट इनाज मार्केट इन इज मार्केट बिल्कुल ठीक है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज सेलर इट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस

Tomorrow no, day after tomorrow because tomorrow again we are going to use this period for accountancy.